हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक चल रहा है, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 उसके चार क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, क्वेश्चन में क्या दिया है, शो दैट -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा होल क्यूब इज अ रियल नंबर। मतलब क्या है कि मुझे ये जो ब्रैकेट दिया है इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो एक रियल नंबर होगा। इसका मतलब क्या, उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। क्लियर है, आयोटा आएगा ही नहीं उसमें। चलो देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सिंपल है, देखो -1 प्लस रूट 3 आयोटा होल क्यूब। अभी ये जो ये ए हो गया और ये पूरा का पूरा बी हो गया, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है, ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, हम अभी ये जो ना वैल्यूज है बस इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ए क्यूब मतलब -1 का क्यूब प्लस 3a² b। बी क्या है, रूट 3 नहीं लूँगा मैं, पूरा का पूरा रूट 3 आयोटा जो पूरा पार्ट है वो बी है, रूट 3 आयोटा है ना, 3a² b प्लस 3ab² बी स्क्वायर मतलब क्या, रूट 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, रूट 3 आयोटा होल क्यूब। क्लियर, -1 का क्यूब होता है -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो ये 3 रूट 3 आयोटा माइनस, देखो 3 इंटू -1 -3 रूट 3 का स्क्वायर 3 और आयोटा स्क्वायर। क्लियर, प्लस रूट 3 का क्यूब, रूट 3 का क्यूब कितना होता है, 3 रूट 3 आयोटा क्यूब। क्लियर, -1 प्लस 3 रूट 3 आयोटा देखो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 है ना, तो ये माइनस और ये माइनस से हो जाएगा प्लस 9। क्लियर, अभी देखो आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, देखो मैंने चार वैल्यूज ध्यान में रखने के लिए बोला था, कौन से, आयोटा का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, और आयोटा रेस टू 4 होता है 1। 4 के बाद जो भी पावर आएगी उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है ये हम लोगों ने देखा है लास्ट, मतलब 2-3 लेक्चर पहले। क्लियर, अगर किसी को डाउट होगा तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, तो यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, 3√3 आयोटा। क्लियर, अभी देखो ये 3√3 आयोटा -3√3 आयोटा कैंसिल, तो फाइनल आंसर आया 8। अभी देखो फाइनल आंसर जो आया है 8 वो एक रियल नंबर है, और उसने वही बोला था कि जो इसका आंसर आएगा वो एक रियल नंबर होगा, ये शो करने के लिए बोला था और हम लोगों ने लाया उसे। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 6 क्वेश्चन देखते, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये तीन ब्रैकेट्स दिए हैं, इन शॉर्ट क्या बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। पहले लिख लेता हूँ 3+2 अपॉन आयोटा, आयोटा रेस टू 6 माइनस आयोटा रेस टू 7, 1 प्लस आयोटा रेस टू 11। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अभी देखो तीनों को सिंप्लीफाई करना है तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, बट मैं अभी ये दो ब्रैकेट्स को पहले सिंप्लीफाई करूँगा, ये इसको लास्ट में करूँगा। ठीक है, तो जो पहला है उसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, इसको मल्टीप्लाई, मतलब दो ब्रैकेट्स कैसे सिंप्लीफाई करते हैं सबको पता है, आयोटा रेस टू 6 इंटू 1 प्लस आयोटा रेस टू 17, रूल पता है बेस से में तो पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है, सॉरी एडिशन होता है, माइनस आयोटा रेस टू 7 माइनस आयोटा रेस टू 18। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने बस दो ब्रैकेट्स सिंप्लीफाई किए। आगे बढ़ते, ये वाला पहला ब्रैकेट एज इट इज़ 3+2 अपॉन आयोटा। देखो याद कैसे रखना था आयोटा वाला, एक चीज़ ध्यान अच्छे से ध्यान में रखो कि हम लोग रिमाइंडर कितना आता है उस पे से आंसर निकालते हैं। मतलब क्या,
देखो रिमाइंडर कितना है, कितना आ सकता है, एक तो ज़ीरो रिमाइंडर आ सकता है ना, ज़ीरो या फिर वन टू थ्री, इतना ही हो सकता है रिमाइंडर, क्योंकि फोर तो आएगा नहीं ना रिमाइंडर, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या कि सपोज़ आयोटा रेस टू सिक्स है, तो मैं क्या करूँगा आयोटा रेस टू सिक्स को, ये जो सिक्स है इसको फोर से डिवाइड करूँगा, तो फोर से डिवाइड किया तो फोर वन या फोर कितना रिमाइंडर बचा टू, फिर या सपोज़ आयोटा रेस टू सेवन है तो मैं सेवन को किससे डिवाइड करूँगा फोर से, तो फोर वन या फोर रिमाइंडर कितना आया थ्री, तो मुझे रिमाइंडर दिखना है, देखना है हमेशा कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, अगर ज़ीरो रिमाइंडर बचता है ना, ज़ीरो रिमाइंडर बचता है तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर आएगा वन, ठीक है। मैं सॉल्व करके बताऊंगा ये, और ये ऑलरेडी हम लोग देख भी चुके हैं, अगर लास्ट वीडियो आपने अगर रेफ़र किया तो आपको पता चल जाएगा, फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, अगर रिमाइंडर वन है तो आंसर आता है आयोटा, अगर रिमाइंडर टू है तो आंसर आता है माइनस वन, और रिमाइंडर अगर थ्री है तो आंसर आता है माइनस आयोटा। देखो ये चार रिमाइंडर, चार में से एक ही कोई रिमाइंडर हो सकता है, पांचवा रिमाइंडर आ ही नहीं सकता है, सिंप्लीफाई करते हैं तो समझ में आ जाएगा। आयोटा रेस टू सिक्स, सिक्स से नंबर, सिक्स को फोर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आया, क्या हुआ रे, सिक्स आयोटा रेस टू सिक्स, तो सिक्स का जो रिमाइंडर है अगर मैं फोर से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा टू, तो जब टू रिमाइंडर होता है तो आंसर आता है माइनस वन, बट मैं डायरेक्टली नहीं लिखूँगा, मैं क्या करूँगा इसको कैसे लिखूँगा, आयोटा रेस टू फोर की पावर में टू, क्लियर, प्लस आयोटा रेस टू फोर, अभी इसको किससे फोर से मल्टीप्लाई करो है ना, ये सिक्सटीन हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर कितना आएगा वन, माइनस आयोटा रेस टू फोर और ये थ्री, सॉरी आयोटा रेस टू थ्री माइनस आयोटा रेस टू फोर क्लियर, समझा, ये जो रिमाइंडर वाला कंसेप्ट है ना, ये जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है वो सिर्फ शॉर्टकट्स के लिए है, जो बोर्ड के लिए मेथड है वो पूरा एज इट इज़ ये लिखना पड़ता है कि आपको आयोटा रेस टू फोर के मल्टीपल में आपको दिखाना है, ठीक है। ये तो मैंने क्रॉस वेरीफाई कर लिया, आंसर करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके आगे बढ़ते, थ्री प्लस टू अपॉन आयोटा, ये जो पहला ब्रैकेट है वो एज इट इज़ हमारा, देखो आयोटा रेस टू फोर जो होता है वो होता है वन, और यहाँ पे वन का स्क्वायर, अगेन वन का वन रेस टू फोर इंटू आयोटा, माइनस आयोटा क्यूब माइनस आयोटा रेस टू फोर, समझ रहा है, टू अपॉन आयोटा, तो देखो पहला आ गया वन प्लस आयोटा, देखो आयोटा क्यूब कितना होता है ये तो याद ही होना चाहिए डायरेक्टली, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा और ये माइनस प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन, क्लियर हो गया, तो ये हो गया थ्री प्लस टू अपॉन आयोटा और ये टू आयोटा, तो यहाँ पे मैं इसको अभी सिंप्लीफाई करता हूँ, कैसे भी कर सकते हैं हम लोग, इसको मैं एलसीएम निकाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा थ्री आयोटा प्लस टू अपॉन आयोटा और यहाँ पे टू आयोटा, तो ये कैंसल, बचा क्या टू इंटू थ्री आयोटा प्लस टू, तो ये हो जाएगा सिक्स आयोटा प्लस फोर, मतलब क्या फोर प्लस सिक्स आयोटा, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, यहाँ तक समझा आपको। सेवेंथ क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या बोला है, इवेलुएट द फॉलोइंग, ये बेसिकली ये कंसेप्ट जो है वो आता है पावर, मतलब आयोटा की पावर है ना, जो पावर ऑफ आयोटा ये कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी पे ये क्वेश्चन है, हम लोगों ने वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, अगर होगा तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हो, या फिर मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फिर भी हम लोग बेसिक यहाँ पे डिस्कस कर ही लेंगे थोड़ा बहुत। तो देखो
मुझे क्या सब आयोटा की पावर दी है और बोला है सिंप्लीफाई करो, इसका नंबर निकालो। तो हम लोग सिंप्लीफाई करते एक एक को देखते हैं। आयोटा रेस टू 35, ये फर्स्ट है। देखो सबसे पहले क्या करना है, हमेशा प्रोसेस एक बार समझ लो तो सबके लिए सेम ही है। मैं क्या करूँगा, हमेशा आयोटा रेस टू 4 के पावर फॉर्म में लिखूँगा ताकि उसके मल्टीपल में आए। क्यों कर रहा हूँ मैं, इसका रीज़न भी बताता हूँ। आयोटा का वैल्यू होता है अंडर रूट माइनस वन, आयोटा स्क्वायर जो होता है ये माइनस वन होता है, आयोटा क्यूब जो होता है वो माइनस आयोटा, और आयोटा रेस टू 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हमेशा आयोटा रेस टू 4 के पावर में एडजस्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि सपोज यहाँ पे 20 आता है एग्जांपल, तो मैं आयोटा रेस टू 4 की मतलब कितना होता है 1, तो 1 के पावर में कुछ भी नंबर आने दो, ठीक है, कुछ भी नंबर आने तो आंसर कितना आएगा 1, तो मेरा वो कैलकुलेशन का पार्ट बच जाएगा। कुछ लोग आयोटा रेस टू मतलब आयोटा स्क्वायर का भी फॉर्म यूज़ करते हैं, बट हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा जो एडजस्टमेंट है वो आयोटा रेस टू 4 में यूज़ करेंगे। ठीक है, आप आयोटा स्क्वायर करके भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस देख लो, आयोटा रेस टू 4 मैंने लिख लिया, यहाँ पे कितना है 35, तो मैं 35 को 4 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, 8 4 32, और रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 3, है ना। तो यहाँ पे देखो 1 के पावर में 8, समझ रहा है, अभी मैंने आयोटा रेस टू 4 क्यों किया था, क्योंकि 1 के पावर में 8 है, मुझे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आंसर 1 ही आ जाएगा। और जो ये वाला पोर्शन है, ये हमेशा या तो आयोटा आ सकता है, या आयोटा स्क्वायर आ सकता है, या फिर आयोटा क्यूब, इसके आगे नहीं आएगा, ये तीन नंबर ही कोई ना कोई आ सकता है। देखो आयोटा क्यूब का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, और आप लोग याद ही कर लो इसको, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो आंसर आ गया माइनस आयोटा। समझा मैंने कैसे किया, सेकेंड करते हैं। मैंने क्या बोला है कि हमेशा हम लोग किसके फॉर्म में एडजस्ट करेंगे, आयोटा रेस टू 4, जो आयोटा रेस टू 4 है मैंने लिख लिया। अभी मैं सेकेंड स्टेप क्या है कि जो नंबर है इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करने के बाद मुझे ये मिला, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कुछ आया है क्या, नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। समझा, तो आयोटा रेस टू 4 ये हो गया 1 और ये 2, तो फाइनल आंसर आएगा 1। अभी समझा कि आयोटा रेस टू 4 हम लोगों ने क्यों लिया, ये ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा क्लियर हुआ क्योंकि ये जो पावर है ना इतना बड़ा, ये पूरा का पूरा चला गया। क्लियर, ओके। अभी हम आप लोगों को थर्ड और फोर्थ फिफ्थ भी ये जो है ये के पूरे हम लोगों को खुद से ट्राई करना है। ठीक है, खुद से ट्राई करो, अगर आपको कोई डाउट होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। अभी नेक्स्ट जाते हैं हम लोग सिक्स्थ पे। सिक्स क्वेश्चन क्या है, मतलब सिक्स क्या है, 1/58 आयोटा रेस टू 58। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना, जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आता है ना, उसको हम लोग हमेशा न्यूमरेटर में करते हैं, या फिर कुछ बुक्स में डायरेक्टली भी करते हैं। डायरेक्टली मतलब कैसे, यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रोसेस ऊपर फॉलो किया है ना, वही फॉलो हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। या फिर दूसरा एक तरीका होता है, कुछ बुक्स में ऐसा भी दिखेगा कि जो डिनोमिनेटर वाला पावर होता है ना, उसको ऊपर लेके जाते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे भी आपको करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं, आयोटा रेस टू 4 मैंने लिख लिया। अभी सेकेंड स्टेप होता है, जो नंबर है उसको 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आता है, हाँ सॉरी क्या 4, और रिमाइंडर कितना है, आयोटा रेस टू मतलब आयोटा स्क्वायर। समझा, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा मुझे, आप लोग देख के ही बता सकते हो। अभी तो आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, तो आंसर आ गया माइनस 1। क्लियर, नेक्स्ट
ये इसको भी क्या करना है आप लोगों को, खुद से ट्राई करना है, ठीक है। सेम है, बस 4 से डिवाइड करो आंसर आ जाएगा। इसको देखते हम लोग 8 को, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो मैं, मेरे पास एक तरीका है कि हर एक, जैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि 4 के पावर में एडजस्ट करो उसके बाद में हम लोग वैल्यू निकाले, वो एक तरीका है। या फिर दूसरा एक मतलब शॉर्टकट भी है अगर अगर हम लोग देखेंगे तो। देखो सब में एक सिमिलर पैटर्न दिख रहा है। सिमिलर पैटर्न मतलब क्या कि देखो यहाँ पे आयोटा की 30 पावर है, 40 पावर है, 50 पावर है, 60 पावर है, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है ना वो 10 का आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आयोटा रेस टू 10 कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर कितना बचेगा, आयोटा क्यूब प्लस, ऐसे करने से बेटर हम लोग डायरेक्टली करते हैं ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। हाँ, आयोटा रेस टू 30 है तो हम लोग क्या करते हैं, आयोटा रेस टू 4 उसके पावर में, अभी तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तो रेस टू 4 आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस 1 प्लस 1, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस 1 प्लस 1, तो आंसर कितना आया, 0। एक चीज़ यहाँ पे शॉर्टकट याद रखना, ठीक है। शॉर्टकट क्या बोलता है कि कि कोई भी चार टर्म अगर एक पैटर्न में आते हैं, है ना, एक पैटर्न में मतलब क्या कि 1 2 3 4 ऐसे पैटर्न में आते हैं, या फिर 20 21 23 24 ऐसे पैटर्न में आते हैं, तो वो उसका अगर मैं सिंप्लीफाई उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो आंसर 0 आता है हमेशा। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगा आने वाले समय पे। यहाँ तक हम लोग, मैंने यहाँ पे जानबूझ के यहाँ पे मिक्स नहीं किया कि वो वाला कंसेप्ट, ताकि कन्फ्यूज ना हो। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जो आयोटा का प्रोसेस था, आयोटा रेस टू 4 वाला कंसेप्ट, उसी को मैंने उसी से मैंने सिंप्लीफाई किया है। तो हम लोग ज़्यादा उसी पर ध्यान देंगे, ये वाला कंसेप्ट हमारा ख़त्म होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, 8 क्वेश्चन है हमारा। 1 प्लस आयोटा रेस टू 10 आयोटा रेस टू 20 आयोटा रेस टू 30 इज रियल नंबर, मतलब क्या, वही कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एक आंसर, मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, रियल नंबर है जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 प्लस आयोटा रेस टू 10 प्लस आयोटा रेस टू 20 प्लस आयोटा रेस टू 30, हम लोग वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे आयोटा रेस टू 4 वाला, मतलब पावर वाला, तो तक ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। 10 मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या करना है, आयोटा रेस टू 4 लिखा, इसका मल्टीप्लाई 10 को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा, इसके लिए मैंने नहीं लिखा। क्लियर, आयोटा रेस टू 4 होता है 1 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हो गया माइनस 1, यहाँ पे 1 के पावर में 5 प्लस 1 के पावर में 7 और ये गया माइनस 1, तो 1 प्लस यहाँ पे 1 माइनस 1 तो यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1, तो आंसर आ गया 0। सिंपल था, 0 रियल नंबर है तो ये फाइनल आंसर आ गया। 9th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नाइन क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगेन वही कंसेप्ट है जो लास्ट सम में हम लोगों ने यूज़ किया, तो आपको खुद से ट्राई करना है। बट यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है वो थोड़ा है, उसमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसको मैं बता देता हूँ। जो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा रेस्ट टू 4, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। इसको सिंप्लीफाई एकदम मतलब जल्दी हो जाएगा, बट एक कंसेप्ट मुझे बताना है, इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आयोटा क्यूब का वैल्यू होता है -iota, और आयोटा रेस्ट टू 4 1। तो देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल होने के बाद आंसर आता है 0। तो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, सम ऑफ 4 कॉन्जिगेटिव, सम ऑफ 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स, टर्म ऑफ आयोटा इज 0। ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्या कि चार आयोटा की जो टर्म है, कॉन्जिगेटिव टर्म का मतलब होता है कि सपोज आयोटा रेस्ट टू 10 है, तो अगला जो नंबर आएगा प्लस में, तो पहला आयोटा रेस्ट टू 10 प्लस आयोटा रेस्ट टू 11 प्लस आयोटा रेस्ट टू 12 प्लस आयोटा रेस्ट टू 4, इसको बोलते हैं कॉन्जिगेटिव। तो कोई भी नंबर आने दो कॉन्जिगेटिव में, सपोज 90 प्लस 91 प्लस 92 प्लस 93, ऐसा कोई भी नंबर आने दो, तो उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसका आंसर हमेशा हमेशा 0 ही आएगा। एक एग्जांपल, सपोज मैं लिखता हूँ आयोटा रेस टू 99 प्लस आयोटा रेस टू 100 प्लस आयोटा रेस टू 101 प्लस आयोटा रेस टू 102, ये कॉन्जिगेटिव टर्म है क्योंकि लगातार नंबर आ रहे हैं। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो आंसर हमेशा 0 आएगा। अगर बट ये स्टेट बोर्ड में आपको सिंप्लीफाई करना होगा, जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, तो ये टर्म, ये कंसेप्ट अच्छे से ध्यान में रखना, तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है हमारा, 10th क्वेश्चन है, ऊपर में जो पावर है और नीचे वाली पावर, आपके पास अगर ये टेक्स्ट बुक होगा तो आप अच्छे से नोटिस कर सकते हो। देखो मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे 595 है, 590, 588, 586, 584 पावर में, और नीचे वाले पावर में 582, 580, 578, 576, 574। अगर नोटिस किया ना, तो एक इसमें पैटर्न है, एक डिफरेंस, सेम डिफरेंस है। मतलब क्या, देखो ऊपर अगर कितने का डिफरेंस है, ऊपर 2 का डिफरेंस है, 592 से मैं -2 करूँगा तो 590 मिलेगा, 590 से 2 माइनस करूँगा तो 588, वैसे ही नीचे भी है 582 -2 580, 580 -2 578। ठीक है, मतलब एक पैटर्न दिया है, तो मैं ऐसे जो हम लोगों ने कंसेप्ट यूज़ किया आयोटा के पावर में 4 वाला, वही मैं कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा मुझे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, उसने कुछ ना कुछ पैटर्न दिया है, तो क्यों पैटर्न दिया है वो सोचते हैं। यहाँ पे पहली चीज़, तो ऊपर और नीचे दोनों का एक 2 का पैटर्न सेम है ना, बस प्रॉब्लम क्या है कि नीचे जो है वो 582 से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर जो है 592 से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हम लोग ऊपर नीचे कंपेयर करते हैं, ये 92 ये 82, 90 80, 88 78, मतलब 10 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर में ज़्यादा 10 आ रहा है तो आयोटा रेस टू 10 ये मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि जो 10 का डिफरेंस मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था मैंने उसको बाहर भेज दिया, तो अंदर क्या बचेगा, 82 प्लस आयोटा, अगेन यहाँ से 10 बाहर आ गया है, तो 580 प्लस 578 प्लस आयोटा रेस टू 576 प्लस आयोटा रेस टू 574। क्लियर, समझा, अभी मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे नीचे वाला सेम दिख रहा है ना, ये दिख रहा है नीचे वाला सेम, एक पैटर्न दिख रहा था, इसके लिए मैंने आयोटा रेस टू 4 वाला कंसेप्ट नहीं यूज़ किया। अगर वो यूज़ करता तो ज़्यादा समय चले जाता, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती थी, इसके लिए मैंने ये वाला कंसेप्ट यूज़ किया। तो आयोटा रेस टू 582 प्लस 580 प्लस 578 प्लस 576 प्लस
आ गया अभी पैटर्न सेम दिख रहा है अभी न्यूमरेटर में जो ये वाला ब्रैकेट है वही डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना आयोटा रेस टू टेन। अगेन अभी जो आयोटा रेस टू टेन है उसको मैं अपने जो आयोटा रेस टू फोर वाला कंसेप्ट है उसके फॉर्म में लिखूंगा, तो आंसर आ गया माइनस वन। क्लियर, समझा सबको, कोई डाउट नहीं। हम लोगों ने 10 तक तो कंप्लीट कर लिया है, 11, 12 और 13 ये जो तीन क्वेश्चन है वो सेम कंसेप्ट पे डिपेंड है, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई कीजिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन क्या बोलता है, इवेल्यूएट आयोटा रेस टू 37 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेस टू 67, इसको सिंप्लीफाई कर रहा है। हम लोग क्या वही आयोटा जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो सेम है कि हम लोग जब भी आयोटा के पावर में 4 के ऊपर आता है तो हम लोग हमेशा उसको 4 के मल्टीपल में एडजस्ट करते हैं। तो 37 को कैसे एडजस्ट करेंगे हम लोग, ये 9 हो गया और रिमाइंडर कितना आया, अगर 37 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है 1, मतलब आयोटा प्लस 1 अपॉन 67 को कैसे एडजस्ट करेंगे, 67 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया 3, ठीक है। तो यहाँ पे आया आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस 1। माइनस आयोटा, सॉरी, तो हम लोग अभी एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस 1, ऑलरेडी नेगेटिव है तो बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन माइनस आयोटा, तो यहाँ आगे आंसर 2 अपॉन माइनस आयोटा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो भी आयोटा वाला पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट वो डिनोमिनेटर में हम लोग रखते नहीं है उसको, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम लोगों ने कॉन्जुगेट वाला कंसेप्ट भी देखा है, ठीक है। कॉन्जुगेट वाला कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब इमेजिनरी पार्ट है तो हम लोग उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे फाइनल आंसर लाना है, ठीक है, फाइनल आंसर कैसे आएंगे, तो इसका जो कॉन्जुगेट है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना मतलब उसका कॉन्जुगेट, तो इमेजिनरी पार्ट कौन है आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, तो ऊपर आ जाएगा 2 आयोटा और नीचे आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये 2 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और निगेटिव 1, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 2 आयोटा। क्लियर, 15 क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट पहला ब्रैकेट है और दूसरा ब्रैकेट में एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे 4 नहीं है, पावर में 4 है, ठीक है। तो अभी दो ब्रैकेट दिए हैं और दोनों के ब्रैकेट में पावर में 4 है, पावर सेम है दोनों की और इज इक्वल टू 16, मुझे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर जो है वो 16 लाना है। चलो तो पावर सेम है तो ऑब्वियस पावर सेम है तो मैं एक ही ब्रैकेट में लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा होल ब्रैकेट के पावर में 4। मैं क्या करूँगा अभी ये पावर में 4 सिंप्लीफाई करना मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो मैं सिंपल चीज़ इसको जो पहले ब्रैकेट है ना अंदर वाला उसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1 प्लस आयोटा और दूसरे यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या बन जाएगा आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा और पावर में 4। क्लियर, ऊपर देखो दोनों ब्रैकेट सेम है
तो 1 प्लस आयोटा के पावर में स्क्वायर अपॉन आयोटा, यहाँ पे 4, क्लियर। ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन आयोटा। मैं 4 को एज इट इज रख रहा हूँ ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 और ये 1 कैंसल, तो बचा 2 आयोटा अपॉन आयोटा पावर में 4, तो आयोटा आयोटा भी कैंसल, तो बचा 2 के पावर में 4 इज इक्वल टू 16। यही हमारा RHS है। 17 क्वेश्चन है, ए और बी का वैल्यू मुझे दिया है और बोलता है शो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो सबसे पहले ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी देखते हैं हम लोग। ए इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, इसका स्क्वायर करते हैं। तो इसका स्क्वायर करने के बाद ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो मेरा ए हो जाएगा और ए बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4। तो 1 माइनस 2 रूट 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर होल अपॉन 4, ठीक है। तो 3 आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, तो ये माइनस 3, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस 2 रूट 3 आयोटा अपॉन 4। तो यहाँ से ऊपर से कितना कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है माइनस, अगर 2 कॉमन निकालता हूँ मैं, तो 2 कॉमन निकालने के बाद अंदर बच जाएगा माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 4। तो ये कैंसिल करने के बाद आ जाएगा आंसर माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, जो कि बी है हमारा। पहला पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अभी सेकेंड पार्ट देखते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बोला है, तो बी का वैल्यू पहले लिख लेता हूँ। बी का वैल्यू क्या है, माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 उसका स्क्वायर। अगेन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अगर मैं इसको ए लेता हूँ और ये रूट 3 आयोटा को बी लेता हूँ, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए माइनस बी। अगर मैं ए माइनस 1 और बी भी माइनस रूट 3 आयोटा लूँगा, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आप दोनों भी कर सकते हो, सब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लियरिफिकेशन के लिए। ए इज इक्वल टू माइनस 1 और बी इज इक्वल टू, अगर मैं रूट 3 आयोटा लेता हूँ तो मुझे ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या, रूट 3 आयोटा होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 4। तो आ गया 1, ये माइनस हो गया, प्लस 2 रूट 3 आयोटा, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, आयोटा स्क्वायर यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लिख देता हूँ। तो 1 प्लस 2 रूट 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 3 अपॉन 4। तो 1 माइनस 3 हो गया माइनस 2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा अपॉन 4, ऊपर से कॉमन निकला 2, तो माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन में 4। तो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, जो कि हमारा क्या है, हमारा ए। इसके लिए यहाँ पे हम लोग हमारा 17 क्वेश्चन खत्म होता है।